स्वामी दश भुज की सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता प्रभु वन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अचमा महादेव रघुर स्वामी जी की आरती जो कोई मित्र गावे स्वामी प्रेम सहित गावे गात शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मंगलम मूलिकाक्षाय मंगलाय तनुहरि गोपालपालं भूमिपालं संसार माया मतिमोहजालं यतो विशालं त्रिपालकालं बालं मुकुन्दं सहस्रनामामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं वामनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानिसंयमं वन्दे विष्णुगौरवर्णं सर्वलोकेनाथनं वन्दे वन्दे मौसम दीन न दीन हे तुम समान रघुवीर अस्विचार रघुवंश मणि रघु संभव वीर कामी नाथ विहार जिन लोभी के प्रिय धाम जिन रघुनाथ निधन पर युगी अला घूमि राम राम न कहिया राम की बसहि गंग के तीर अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर प्रणत पार रघुवंश मणि करुणा सिंधु फरार गए शरण रघु राखिए सब अपराध विचार वृंदावन सो बल नहीं नंद राम सो राम वाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम धूल पानी नमः ओम सूर पानी नमः ओम सूर पानी नमः ओम सूर पानी नमः ओम सूर पानी नमः मोटी मोटी प्रणाम करता हूँ मोटी मोटी प्रणाम करता हूँ हे प्रभु मेरा प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार स्वीकार हे प्रभु अगर जाने अनजाने जाने मेरे भोजन मेरे भोजन मेरे बंधन में मेरे बंधन में मेरे अर्चन में मेरे अर्चन में किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई त्रुटि रही उसको उसको अपने अपने चरण चरण शरण शरण का समस्त समस्त कर क्षमा करना समस्त करना आपके पावन चरणों में आपके पावन चरणों में मैं शरणागत अपने चरण शरण की अपने चरण शरण की अपने चरण की आपके पावन चरणों में आपके पावन चरणों में मैं नमस्कार मैं नमस्कार हे प्रभु हे प्रभु शरणागत शरणागत पायमान ऐसे भक्ति जय जो थोड़ा थोड़ा हाथ धीरे धीरे पान को पंडित जी महाराज नादान गिरी जी पूजा कर रहे हैं शिव पूजा ऐसा आता है जगह इससे ही वो अपना मंदिर का काम चलाते हैं बिल्कुल जमीन होती है आश्रम की हाँ जी जी बाकी संतों की युक्ति मुक्ति खुद ही होती है संत तो वही बनते हैं जो मोह माया
से दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, जय भोलेनाथ। आज हमारे गांव में पसीना कला में महात्माओं की टोली आई है, आप भी उनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमको है ना फल मिलेगा, वैसे ही हमारी है ना इज्जत भी होगी। बिल्कुल, जैसे ही होगी कर्म से भोगी, अब कर्म से ही रोगी होता है। जय बोले, दुष्कर्मों से रोगी हो जाएगा, अच्छे कर्मों से योग पुरुष हो जाएगा, और सब करने से योगी हो जाएगा। इसी को कहते हैं योगी, योग पुरुष। दोस्तों, हमारे सामने जो बड़े महाराज जी बैठे हैं, ये वाराणसी से आए हैं। आज हमें इनकी सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह कभी 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 ही मिलता है। दोस्तों, संतों की सेवा और संतों के चरणों में बड़ा आनंद मिलता है। दोस्तों, अब हमारे संत महाराज जी जलपान कर रहे हैं, उसके बाद अभी ये खाना लेंगे। दोस्तों, अब खाना शुरू हो गया है, आप संतों के दर्शन कीजिए। इन महान संतों के दर्शन करने से ही आपको पुण्य मिलेगा, और जो हमें इनकी सेवा करने का मौका मिला है उससे तो हमारे हृदय में जो खुशी हुई है उसको हम बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, ये संत महान मूर्तियाँ कभी कभी ही मिलती है, और हमें आज इनकी सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम कोटि कोटि इनका महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।